छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं, बड़ा परिवर्तन लाते हैं। कि यूं ही चले थे दिले मंजिलों की तलाश में, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा बिजनेस ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन की बात करता हूँ। फ्रेंड, अभी कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड के फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और जब उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो पता चला डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ लिखी हैं उनमें से बहुत सारी दवाइयाँ आसपास के मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड, जब मैं दवाइयों को सर्च करने के लिए गूगल पर बहुत सारी चीज़ों को देख रहा था, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स देखे, लेकिन वहीं पर मैंने एक इन्फॉर्मेशन देखी, मेडिसिन बाबा। और मेडिसिन बाबा की इन्फॉर्मेशन को जब मैंने पूरा प्रॉपरली रीड किया, रिसर्च किया, और तो पता चला कि मेडिसिन बाबा वो व्यक्ति हैं जो पूरे भारतवर्ष में हर जगह से घर घर जाकर दवाइयाँ इकट्ठी करते हैं, और इकट्ठी करने के बाद उन दवाइयों को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज मेरे साथ में है दिल्ली की एक फेमस पर्सनैलिटी। यदि आप इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप गूगल पर सिर्फ मेडिसिन बाबा लिखें, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो आज के इस इंट्रोडक्शन में, आज के इस शो में हम बात करते हैं उस शख्सियत से जो समाज के लिए, देश के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। मेडिसिन बाबा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस शो में। आपके बहुत बहुत मैं सबसे पहले बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम है ओमकार नाथ शर्मा। मेडिसिन बाबा जी, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप मेडिसिन इकट्ठी करते हैं, घर घर जाते हैं, मेडिसिन मांगते हैं, लोगों से बोलते हैं कि आपके घर में जो मेडिसिन यूज नहीं हो रही वो आप मुझे डोनेट करें जी, जो भारत सरकार बाबा जी का। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये काम है, जो ये प्रोफाइल है आपका, जो आप दवाइयाँ घर घर जाके मांगते हैं, इसका आपका रूटीन क्या है, डेली का दिनचर्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले की रूटीन कुछ और थी, अब की रूटीन कुछ और है। अब क्या है कि मुझे अलग अलग हॉस्पिटल से डिमांड आ जाती है कि बाबा जी ये उस पेशेंट को देखना, या दवाइयाँ देनी, या वो करना, वो है पहले। और आज भी मैं सवेरे करीबन 6:30-7 बजे निकल जाता हूँ सवेरे, उसी तरीके जाके पब्लिक में जाके वॉकिंग करता हूँ। हाँ साहब, है कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है, इससे चिल्लाया 2-3 दफ़े चिल्लाता हूँ, फिर चाहता हूँ ऊपर नीचे देखता हूँ कि जैसे कोई आवाज़ तो नहीं दे रहा है, इस तरीके से कलेक्शन करता रहता हूँ। क्योंकि ये पब्लिक में अवेयरनेस जगाना बहुत ज़रूरी है जी। और ये मैं काम करीबन 12:30-1 बजे तक करता हूँ, फिर थक जाता हूँ, तो उम्र भी कम नहीं है, 81 में चला हूँ हैंडीकैप हूँ तो इस वजह से जब मैं आ गया तो अपना काम पे आकर देखता हूँ भाई किसको क्या आया है, कौन सा डॉक्टर का क्या पर्चा है, कहाँ का दवाई सप्लाई करनी है, कहीं किसके एनजीओ को देनी है, क्या क्या करना है, वो आके फिर बाद में वो काम देखता हूँ। तो वहाँ से एक ये प्रेरणा मिली है कि दवाई तो करीबन सब घर में पड़ी हुई है, ऐसा कोई घर मुझे नज़र नहीं आता है कि नहीं है, सब घर में दवाइयाँ पड़ी हुई है, पर उसका मिसयूज़ हो रहा है। आप ठीक हो जाते हैं, दवाई कब तक दवाई रहती है समझने की बात है। दवाई जब तक दवाई रहती है जब तक पेशेंट आपके घर में है, क्या है उसका भी एक बेड टेबल लगा देगा, सब सिस्टम से दवाई सुबह उठ के लेनी है, आफ्टर ब्रेकफास्ट है, बिफोर लंच है, आफ्टर लंच है, या शाम की इवनिंग, जब वो पेशेंट जो भी है एक्स वाई जेड एनिमल, वो जब ठीक होकर ऑफिस चला जाता है, कहते हैं यार दवाइयों को एक तरफ रख दो, चलो ठीक है वहाँ तक। तो जब वो बिल्कुल ऑफिस में काम करता है, ये क्या कचरा रख रखा है, फेंको इसे, फिर उसे फेंक देते हैं लोग, फिर उसे फेंक दे। मैं ये सोच नहीं सका कि जिससे आपकी ज़िंदगी बची है वो कचरा कैसे हो गया। आम आदमी ये कहते हैं फेंक दो, अरे फेंकने से तो उसको मैं ये कहता हूँ भाई फेंको मत, आप मुझे दे दो। जो एक एक पत्ता उनके घर में पड़ा हुआ किसी भी चीज़ का, उस मतलब नहीं है, चाहे वो सेरेडाउन है, चाहे वो पेनग्रा है, कुछ भी हो स्पेशली मेडिसिन से मेरा मतलब नहीं होता है। तो वो जो चैनल है कैसे थ्रू मेरे पास आ जाएगा, मेरा मेडिसिन बैंक बन गया यार, मैं सब जगह बाबा नहीं पहुँच सकता। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन बाबा का जो दिनचर्या है वो अपना थैला लेकर पूरे एरिया में, कॉलोनी में, मोहल्ले में घर घर जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि यदि आपके घर में कोई भी दवाई व्यर्थ पड़ी हो, इस्तेमाल में ना हो, तो वो आप मुझे डोनेट करें, वो आप मुझे भिक्षा में दें। इस तरह का प्रावधान पूरे दिन चलाते हैं, लगभग 12 बजे तक के काम करने के बाद अपना थोड़ा बहुत आराम करते हैं, और उसके बाद उन सभी दवाइयों को इकट्ठा करके उनको बायफ्रिकेट करते हैं, उनको छांटते हैं कि किस किस की एक्सपायरी डेट अभी आने वाली है, किस किस की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, कौन सी मेडिसिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। और उसके बाद किसी समय पर तो बाबा खुद ढूंढा करते थे हॉस्पिटल्स में जाकर, एम्स में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, कि कौन कौन से लोग हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत है,
और वो दवाई का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उसके बाद में बाबा ने जब उन लोगों को देना शुरू किया, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती गई, लोगों के लिंक में आते चले गए, और उसके बाद आज बाबा ने पूरा एक आपकी टी शर्ट पर भी लिखा हुआ है आपकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है मोबाइल मेडिसिन बैंक, मतलब एक ऐसा बैंक जो चलता फिरता बैंक है, हर जगह से दवाइयां इकट्ठी करते हैं और दवाइयां इकट्ठी करके जरूरतमंद लोगों तक निशुल्क वो दवाई उपलब्ध कराने का काम मेडिसिन बाबा करते हैं। और मेडिसिन बाबा की इस उपलब्धि को न केवल पूरे भारतवर्ष ने बल्कि विश्व में भी बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया है। बाबा जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप दवाई इकट्ठी कर लेते हैं तो उसके बाद कैसे लोगों तक वो पहुंचा पाते हैं आप, ताकि उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको दवाई मिल पाए? पहुंचाने का तो कुछ डॉक्टर अपने आप डिमांड भेज देते हैं इंस्क्रिप्शन के साथ। बाकी ऐसा सवाल है ना कि हर एक हॉस्पिटल में सोशल वर्कर ऑफिसर होता है जी, ठीक है, वो मुझे करीबन सभी जगह जानते हैं, मैं उन्हें जानू नहीं जानू, मेडिसिन बाबा को हमें ये दवाई चाहिए, वो खुद पेशेंट को, चाहे वो अपेलो हो, फोर्टिज हो, मैक्स हो, राम मनोहर लोहिया हो, जो इनको दवाइयाँ चाहिए सीधा मेरे पास बेचते हैं। जो गरीब आदमी खरीद नहीं सक रहा उसको मेरे पास ही बेचते हैं वो लोग, और मैं उसका इंतजाम करके दे रहा हूँ। पिछले करीबन 10 साल हो गए मुझे आज काम करते हुए। पिछले 10 वर्षों से मेडिसिन बाबा लगातार पूरे भारतवर्ष के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। संपर्क बनाने का मतलब, यदि किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी दवाई की आवश्यकता होती है और हॉस्पिटल का स्टाफ या वहाँ का सोशल वर्कर ये देखता है कि ये गरीब व्यक्ति इन दवाइयों को नहीं खरीद सकता, तो सीधा संपर्क जो उन लोगों को दिया जाता है वो मेडिसिन बाबा का होता है। और उसके बाद में बाबा अपनी तरफ से जितनी भी दवाइयाँ इकट्ठी कर सकते हैं, जितनी भी उपलब्ध करा सकते हैं, उनको जल्द से जल्द उपलब्ध कराते हैं। बाबा जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस मुहिम को लेकर जो चल रहे हैं, इसको आप भविष्य में किस तरह से देखते हैं और क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से अवेयर हों और आपको सपोर्ट कर पाएं? ज़्यादा से ज़्यादा तो ये है कि NCR में मैं काम करूँ, अब मैंने ऑल इंडिया लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है, और मैं आपके चैनल से भी बताना चाहता हूँ कि आपको कोई दवाई नहीं मिल रही है, व्हाट्सएप पर चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, मेडिसिन बाबा को देख लीजिए, आपका पर्चा है फेसबुक पर डाल दीजिए। उसमें सिर्फ दो काम करने, डॉक्टर का नंबर होना बहुत न्याय जरूरी है, आपका नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर का नंबर है, मैं डॉक्टर से बात करूँगा, डॉक्टर से बात करने के बाद क्या होगा कि मैं डॉक्टर से पूछूँगा क्या ये जरूरतमंद नीडी है, नीडी होगा भाई कुरियर उसके पास पहुँच जाएगी, और मैं पहुँचा रहा हूँ। ये एक सफ़र जो मेडिसिन बाबा ने अकेले आज से 10 साल पहले शुरू किया था, आज इसमें बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। तो बाबा जी, किस तरह की मदद आप लोगों से चाहते हैं कि लोग आपकी संस्था को, मेडिसिन बाबा को सपोर्ट करें ताकि ये जो प्रावधान है ये पूरे भारतवर्ष में सुचारू रूप से चल सके? किस तरह की सुविधाएं, कुछ किस तरह की मदद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, medicinebaba.in, मेडिसिन बाबा ऑर्गेनाइजेशन, आप दोनों को देख लीजिए, अकाउंट नंबर मिल जाएगा, A to Z जितनी भी आपको चाहिए, हम पैसे नहीं चाहिए, ठीक, फिर दे रहे हैं, पर जो स्टाफ काम कर रहा है उसके लिए पैसे चाहिए, रैक्स के लिए पैसे चाहिए हैं, वहाँ पर स्टाफ को जो अपने सैलरी देना उसके लिए चाहिए, डिब्बे खरीदने पड़ते हैं, और कई हर चीज़ की जरूरत पड़ती रहती है आए दिन, तो हमें उसके लिए फंड चाहिए। तो आप medicinebaba.in, मेडिसिन बाबा ऑर्गेनाइजेशन देखिए, उसके ऊपर सब कुछ अकाउंट नंबर A to Z वगैरह सब लिखें। अगर कोई डोनेशन करना चाहता है तो उसका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, और कोई पेशेंट भेज के दवाइयाँ लेना चाहता तब उसका भी हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज हमने बात की मेडिसिन बाबा से, जो पूरे विश्व विख्यात एक व्यक्तित्व हैं। इनका उद्देश्य है कि हर गरीब को, जिसके परिवार में, जिसके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो, उनको वो दवाएं निशुल्क उपलब्ध करा सकें, और जिसका संसाधन उन्होंने बनाया घर घर जाकर दवाई मांगने का। और आज बाबा का नाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाना जाता है, और साथ ही साथ भारतवर्षी नहीं विदेशों के अनेक चैनल्स ने भी बाबा के इंटरव्यूज़ को कवर किया है। मेडिसिन बाबा एक विख्यात व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप न्यूज़पेपर से लेकर और मीडिया तक हर जगह देख सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो गूगल पर लिखिए मेडिसिन बाबा और एंटर कीजिए, आपके सामने मेडिसिन बाबा से संबंधित बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, समाज को कुछ नया देना चाहते हैं, समाज में किसी भी तरह की चैरिटी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। यदि आपको ऐसा लगता है आपके पास दवाइयां हों, आपके पास मेडिसिन से रिलेटेड उन इक्विपमेंट्स हों जो आपके लिए व्यर्थ पड़े हों, आप ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी दवाइयां
आप मेडिसिन बाबा को डोनेट करें। मेडिसिन बाबा पूरे देश के गरीब लोगों को, जो लोग दवाई नहीं खरीद सकते, उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बात मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वो पथ क्या प्रतीक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। कहने का मतलब, सीधी धाराओं में तो कोई भी आसानी से तैर लेता है, लेकिन मेडिसिन बाबा ने एक वो काम कर दिखाया जिसके बारे में देश के लोग सोचते नहीं है, इसके बारे में लोग अवेयर नहीं होते। तो अवेयरनेस मेडिसिन बाबा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में निरंतर फैल रही है और हम लोग पूरी मुहिम के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी, हम लोगों का उद्देश्य है भारत बनेगा विश्व गुरु। मैं ये मानता हूं कि जब भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार होगा तो भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बन के पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकेगा। इसके लिए हम एक मिशन चलाते हैं, भारत बनेगा विश्व गुरु मिशन 2021, ताकि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार हो सके। और साथ ही साथ मेडिसिन बाबा एक मुहिम चला रहे हैं कि भारत के हर घर से जिस व्यक्ति को दवाइयों की जरूरत है और खरीदने में सक्षम नहीं है, मेडिसिन बाबा के माध्यम से आप वहां तक वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आप किसी भी तरह से यदि संस्था को सपोर्ट करना चाहते हैं तो संस्था की वेबसाइट पर जाकर, वहां बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप डोनेट कर सकते हैं। जितना भी फंड एक वीडियो से यूट्यूब के व्यूवर्स के माध्यम से इकट्ठा होगा, वो सारा का सारा फंड हम डोनेट करेंगे मेडिसिन बाबा की ऑर्गेनाइजेशन को। तो फ्रेंड, आज की हमारी चर्चा में हमारे साथ थे मेडिसिन बाबा, जिनके जीवन का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को उसकी जरूरत के हिसाब से मेडिसिन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। यह वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई आशा की किरण पैदा कर सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हम देश के हित में काम करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा व्यस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जी, मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल की तरफ से ये गेस्ट ऑफ ऑनर आपके लिए। थैंक यू सर।